जैसे कि गाड़ी छोड़ रहा है, प्रॉब्लम जैसे आप लोग को पता है ऑटो एसी काम नहीं कर रहा है। देखो भाई एकदम मतलब खतरनाक किया है मिक्सम, बहुत मतलब पहले से बहुत बड़ा लग। जो काम था हम लोग का अभी ईआरपी जो लिखा हुआ है, ये इसने एक्सीडेंट करके उसको स्क्रैच कर दिया था, तो अभी इसको निकल के फिर से भाई अभी टाइम हो रहा है 4 PM, जस्ट सो के उठा मैं और आँखों में देख कर पता चल जाएगा शायद आप लोग को, मतलब बहुत तबीयत ख़राब है। 3 दिन से कंटिन्यूस बहुत तबीयत ख़राब है, फिर भी बाहर जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर रहा हूँ क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, चल रहा है, सारा कुछ एडजस्ट करके चलना है, यही लाइफ है भाई। क्या गर्मी है भाई बाहर, बहुत गर्मी। आज का वीडियो है हम कैसे सनग्लास पहनते हैं उसके ऊपर। तो भाई चलो शुरू करते हैं, गाड़ी में जो जो चीज़ है वो सब तो निकाल लेना है क्योंकि सीन्स ऐसा हो गया हम लोग का, गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी काम नहीं करता, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ख़त्म कर दिया गया है। दैट्स वाई अभी सेकेंड सर्विस में गए थे हम लोग, तो तब बोला कि आ जाना टाइम लेकर, एक दिन गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम एक दिन गाड़ी छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और यह है इसका ही वीडियो, क्योंकि आपका भी गाड़ी हो सकता है टाटा टिया हुई भी, आपका भी सेम मेरे जैसा हालत हो सकता है। तो अभी जस्ट 5 महीना हुआ इसमें ही गाड़ी का हाल ऐसा हो चुका है, जो कि होना तो नहीं चाहिए था, पर टाटा वाला क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है मेरे को नहीं पता भाई, मैं तो मैन्युफैक्चर नहीं करता। एनीवेज बहुत जलाया है गाड़ी ने मेरे को टाटा सर्विस सेंटर, लगभग मैं 100 के ऊपर चला गया हूँ 5 महीने में। थोड़ा टसन भी तो ज़रूरी है ना भाई, शैम्पू क्या है मतलब बाल वॉल्यूम में नहीं है। एनीवेज तो इसीलिए जा रहे हैं, अभी भाई जा रहा है मेरा बाइक लेके और गाड़ी छोड़ के आएंगे, एक तो धूप और उसके ऊपर मेरा बुखार हो गया है, मस्त कॉम्बिनेशन। एनीवेज अभी चलते हैं, गाड़ी का क्या सीन्स होता है वो देखते हैं, और ये सारा सामान सब कुछ रख देना है बाहर क्योंकि वो लोग रख नहीं देगा, ठीक है। एनीवेज चलो, और भाई मस्त इंजॉय ले रहा है देखो मेरा गाड़ी का, क्या खतरनाक लग रहा है भाई, क्या ही खतरनाक लग रहा है। चलो अभी पहुंच जाते हैं और बाइक से ही चलेंगे अभी, खतरनाक खतरनाक लग रहा है भाई, दिल आ गया फिर से, दिल तो ऑलरेडी इसके ऊपर ही है, फिर से आ गया। अभी सेंटर आते ही क्या मिला देखो, ऑल न्यू नेक्सन ब्रो, क्या खतरनाक किया है, आ चुका है इधर तेरे को। देखो भाई एकदम मतलब खतरनाक किया है नेक्सन, बहुत मतलब पहले से बहुत बड़ा लग रहा है मेरे हिसाब से, बहुत ही बड़ा, खाली आंखों में देखे वाह। इंटीरियर देखो भाई क्या खतरनाक किया है, बढ़िया पूरा रास्ते में। पर भाई गाड़ी जैसे आता है नए कंडीशन में ऐसे पड़ा रहता है, मेरे को नहीं पता था, बढ़िया कंडीशन की गाड़ी छोड़ रहा है, प्रॉब्लम जैसे आप लोग को पता है ऑटो एसी काम नहीं कर रहा है, पर मैंडेटरी चीज़ जो मेरे साथ एक बार हुआ था, एक स्क्रैच आया था, ये लोग नहीं मान रहे थे, तो वीडियो शो किया, दैट्स वाई मैं वीडियो और एक बार ले रहा हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है देख लो एक बार करके, क्योंकि भाई अगर कुछ होता है तो ये लोग नहीं देता। मेरा ऊपर जो डेंट आया है वो अभी बोलने से फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो लोग नहीं मानेंगे, दैट्स वाई अभी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना अच्छा होता है। आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगा, जब गाड़ी सर्विस सेंटर में मेनली दे रहे हो तब एक बार सारा कुछ वीडियो कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ होता है ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेगा भाई। ওগুলো ঠিক আছে, ওগুলো অসুবিধা নেই, ওগুলো আমি দেখে নিই তোমার। पीछे सिर्फ झाड़ू है और इन्फ्लेटर है और सामने का मेरा ये दो चीज़ है बस, और कुछ नहीं है गाड़ी में, सारा कुछ ना सब कुछ हो गया। अभी 2-3 काम है गाड़ी में, बाइक में 2-3 चीज़ करना है, वो करने के बाद घर की तरफ निकल जाएंगे भाई।
2000 years later. जो काम था हम लोग का अभी आरपी जो लिखा हुआ है ये इसने एक्सीडेंट करके उसे स्क्रैच कर दिया था, तो अभी इसको निकल के फिर से आरपी और यूट्यूब का लोगो लगा रहे हैं। क्या करे भाई, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। टायर देखो, फाइनली घर पहुंच चुका और हमने किया है ये स्टिकर आरपी ब्लॉग्स का, आरपी लिखा है और इंस्टाग्राम का लोगो ये वाला। और ये कैसे लगा बोलो, ये जो हम लोग का DRL ब्लिंक कर रहे हैं इसमें चेंज भी होता है। मेन तो चीज़ भाई लोग ये टायर 156 इंच का। तू कहाँ से आ गया? वहाँ लिखने बापू। ये टायर भाई बहुत खतरनाक, मतलब ग्रिप बहुत बढ़िया देता है। अल्फा H1 प्राइस जैसा लिया काम भी वैसा है भाई, खतरनाक काम करते। चलो फैन भी ऑन हो गया अभी। 2000 years later. भाई अभी टाइम हो रहा है 4 PM, जस्ट सो के उठा मैं और आँखों में देख कर पता चल जाएगा शायद हम लोग को, मतलब बहुत तबीयत खराब है। 3 दिन से कंटिन्यूस बहुत तबीयत खराब है, फिर भी बाहर जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर रहा हूँ क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, चल रहा है, सारा कुछ एडजस्ट करके चलना है, यही लाइफ है भाई। ज्ञान नहीं दे रहा, चल रहा है कुछ भी, मतलब ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है ना, फेसबुक बोलो इंस्टा बोलो, अब कैसे हो ये, मतलब उधर कोई नहीं देखेगा सारा कुछ, तो उस साइड में वैसा ही रहना पड़ता है इस साइड। एनीवेज छोड़ो, जो जिनको समझ में आ रहा है आ सकता है, नहीं आ रहा नहीं यार। एनीवेज बुखार बहुत है मेरा, कभी भी कट सकता हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। सॉरी, कॉल आया था शोरूम से तो अभी जा रहा हूँ, गाड़ी में बोला क्या नॉब्स क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसमें बोला था, तो मैं बोला गाड़ी क्या हो गया आऊँ मैं, तो मेरे को बोला कि हाँ आप आ जाइए गाड़ी दे दे रहे, तो उधर चलते सीन्स क्या होता है उधर चेक करते हैं। भाई थोड़ा सा प्रे करना है, जल्दी फटाफट रिकवर हो जाऊँ मैं और सारा चीज़ों से मतलब थोड़ा सा ठीक हो सकूँ। एनीवेज चलो भाई जा रहा है, भाई के साथ जा रहा है, उसका बाइक भी रैप वगैरह होगा सारा कुछ। चलो भाई, 2000 years later. हमने तो आ चुका भी टेस्ट ड्राइव पे गया है, हेलमेट पहना था, बाद अपना खराब हो गया, सर को बच जाएगा एक्सीडेंट से। भाई बहुत दिनों के बाद अभी मतलब मैनुअल गाड़ी चला रहा हूँ मैं, आकाश का सॉरी गियर में रख दिया। चलो निकलते नेक्स्ट प्लान देखते कहाँ क्या होता है। अभी आकाश का गाड़ी है, मेरा नहीं है, भूल चुका हूँ मैं मतलब कैसे। ओके तो बढ़िया था एक्सपीरियंस इस टाइम, और प्रॉपर ये जो स्टीयरिंग गार्ड वगैरह सब कुछ यूज़ किए थे, और इसमें ऑटोमेटिक एसी का जो फंड है वो बताता हूँ। अभी ऑटोमेटिक एसी ऑन किया, ठीक है, जब मतलब ये टेम्परेचर लो में था, अभी अगर ऑटोमेटिक एसी ऑन हम लोग करते तो फिर 22 में आ रहा था, पर फर्स्ट टाइम जब हम लोग ट्राई कर रहे थे तब 22 में नहीं आ रहा था, मेरा एक कंसर्न था इसमें, तो अभी ठीक हो गया। बढ़िया भाई, अभी मौज लेते हैं, पर अभी दिक्कत ये है कि गाड़ी में कहाँ पर भी स्क्रैच वगैरह आया है या नहीं है वो नहीं चेक किया, और सीट बेल्ट भी नया बोल दिया गया है कि चेंज हो जाएगा, सीट बेल्ट प्रॉब्लम आ रहा था मेरा। चलो बढ़िया था इस टाइम का एक्सपीरियंस, होप सो और प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या हो गया तेरा? और अभी प्रॉब्लम क्या है ना, मतलब एक साइड का व्हील जो रियर साइड है, समझदार आदमी कौन कहां से पैदा हो गया। 2000 years later. ऑलराइट, तो भाई कल का सीन्स जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि गाड़ी मिल गया था, तो ख़त्म नहीं कर पाया वीडियो कम्प्लीटली क्योंकि बुखार बहुत चल रहा है मेरा, दैट्स वाई अभी ख़त्म नहीं कर पा रहा कल का वीडियो, तो अभी एंड कर रहा हूँ। प्रॉब्लम जो था हम लोग का एसी, ऑटोमेटिक एसी काम नहीं कर रहा था, पर अभी काम कर रहा है,
क्या प्रॉब्लम था नहीं पता मेरे को, बोल रहा है कि ऐसे होता है पर ऐसे नहीं हो रहा था पहले, आप लोग को भी दिखाया मैं। एनीवेज प्रॉब्लम बहुत आ रहा है गाड़ी में, मतलब वो सॉल्व भी हो जा रहा है। अभी तक फ़िलहाल मेरे को ऑटोमेटिक एसी का प्रॉब्लम आया था जो ITPMS सेंसर वो पंक्चर होने के कारण आया था। बाकी बहुत सारा गाड़ियों में सुना है कि प्रॉब्लम आ रहा है, मोटर में दिक्कत आ रहा है, बहुत कुछ। मेरा वॉइस ऐसा आ रहा है तो उसे एडजस्ट कर लेना भाई, हिम्मत उतना भी नहीं अभी उठ के जाके कुछ पहन के वीडियो करो, इतना भी नहीं है। एनीवेज वीडियो इधर तक था, ख़त्म करते हैं इधर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं दूसरे दिन दूसरे वीडियो के साथ।